राजस्थान में बच्ची सियासी उठापटक के बीच बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली के अंदर भी बड़ा परिवर्तन किया है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से दिल्ली प्रदेश इकाई की तरफ से एक बड़ा बदलाव या चैलेंज या परिवर्तन करते हुए यहां पर सुजीत सरमराट जो कि वकील हैं उनको प्रदेश का प्रभारी बनाया है। बहुजन समाज पार्टी के अंदर वो पिछले कई दिनों से लगातार कार्य कर रहे थे। कई विभिन्न पदों पर रहने वाले सुजीत सरमराट को अब आपको बताने की कोशिश करें तो उन्हें बहुजन समाज पार्टी का स्टेट प्रभारी बना दिया है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जानकारी मिल रही है कि एडवोकेट सुजीत सरमराट को बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश का केंद्रीय कोऑर्डिनेटर है वो बनाया गया है। बहुजन समाज पार्टी में कोऑर्डिनेटर या प्रभारी का पद काफ़ी महत्वपूर्ण और बड़ा माना जाता है तो उन्हें केंद्रीय कोऑर्डिनेटर के तौर पर दिल्ली का जो है नेता बनाया गया है। बहुजन समाज पार्टी में वो पिछले कई दिनों से प्रदेश की इकाई में काम कर रहे थे। अब आपको बता दें उन्हें केंद्र की टीम में शामिल करते हुए केंद्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। सुजीत सरमराट लगातार बहुजन समाज पार्टी की तरफ से दिल्ली प्रदेश इकाई की से एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं और अब आपको बता दें कि उन्हें एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है। इससे अलावा दिल्ली के जो प्रभारी रहे हैं सीपी सिंह उनको राजस्थान का प्रभारी है वो बना दिया गया है। तो राजस्थान और दिल्ली सहित कई राज्यों में इस वक्त बहुजन समाज पार्टी में काफ़ी ज़्यादा उठापटक मची हुई है। इसी बीच ये बड़ा बदलाव है वो देखने को मिला। मिलेंगे इस वीडियो में के साथ। अब तक आप चले थे विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर